नमस्ते। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। तो आज है जन्माष्टमी और आज जन्माष्टमी के दिन मैं क्या करने वाली हूँ पूरा दिन, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज मेरा व्रत है, आज मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का व्रत है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं कितने, अभी बज रहे 12:30। मेरे घर के सारे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ व्रत का कुछ खाना बनाने के लिए। और फिर मैं वो थोड़ा जो बना रही हूँ मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, और फिर उसके बाद हम बाकी डेकोरेशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सजाएंगे, और फिर उसके बाद रात को बहुत कुछ खाने के लिए बनाएंगे। और रात को कैसी पूजा करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम रात को 12 बजे तक एक साथ रहने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए और फटाफट खाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने रात को ही यहाँ पर चने की दाल भिगा के रख दी थी क्योंकि हमें चने की दाल यूज़ होगी वो साबू, क्या कहते हैं उसे, पोहे का, गोपाल काला जो कहते हैं ना, वो बनाने के लिए, पोहे वाला, कर्ड वाला पोहा जो बनता है वो। और मैंने ना ये साबूदाना भी भिगा के रख दिया क्योंकि अभी व्रत है तो हम साबूदाना खाएंगे, तो अच्छे से फूल गए हैं। और मैंने ना नीचे बटाने बनाए हैं, मतलब रखे थे ये बटाने जो दिखे, इसका ढक्कन टूट गया है ऑलमोस्ट। तो ये जो बटाने आप देख रहे हैं ये मैं अभी सुबह बॉईल करने वाली हूँ, तो इसे मैं अभी कुकर में लगा दूँगी सो दैट ये बॉईल हो जाए। मैं सारे बॉईल करने वाली चीज़ें ना बना के रख दे रही हूँ तो ईजी हो जाता है ये सब करके। और यहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो और जो आलू है वो बॉईल करके रख दिए हैं। आलू जो है वो सब्ज़ी में और क्या कहते हैं इसे, साबूदाना में काम में आएगा मेरे, तो मैं साबूदाना में उबला हुआ आलू डालती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। और ये स्वीट पोटैटो का भी एक बहुत ही टेस्टी सा डिश बनता है व्रत के लिए, मैं आपको बताऊँगी। और इसकी खीर भी बन सकती है, मतलब हलवा भी बन सकता है, तो दोनों में से जो भी चीज़ मैं बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्रत है तो साबूदाना के पापड़ जो है वो फ्राई कर ले रही हूँ थोड़े, फिर उसके बाद बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। ये पापड़ मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। अभी खाना है ये, रात को तो बहुत कुछ बनने वाला है, खीर पूड़ी ये सब। अबा ये उछकता है ना, हमको बहुत डर लगता है, खीर पूड़ी ये सब बनने वाली है रात को। तुम्हारे आज मजे है खाने में। तो ये पापड़ तल लूँ फटाफट। ये देखिए कितना खिला खिला बना है ये, मुझे ऐसा खिला खिला हुआ साबूदाना बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है एकदम खिला खिला। और ये मैं खाने के लिए, बाप रे बहुत भूख लग रही है। तो ये जो साबूदाना है ना ऐसे खिला खिला तभी बनता है जब आप इसको रात को अच्छे से भिगा के रखो। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा भगवान के लिए नवेद के लिए निकाल दूँगी इसको। तो ये भगवान की छोटी सी कटोरी है तो इसमें मैं निकाल देती हूँ थोड़ा सा। ये हम भगवान को जो है ये भोग लगा देंगे। और अब मैं जो है थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लूँगी सही है कि नहीं, ठीक है। और ये थोड़ा सा भगवान के लिए नवेद हो जाता है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और अब मैं निकालूँगी मेरे लिए और अश्विन के लिए भी। गर्मी है यहाँ पे, आपको लाइट थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि मेरे मोबाइल का ये थोड़ा सा बैंड बजा हुआ है, बट चलिए जय श्री गणेश चालू करते हैं। बहुत तेज भूख लग रही, मेरी तो एनर्जी लो, शुगर लेवल सब हो गई होगी क्योंकि 1:15 हो रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत है ना, बहुत। आके देखते हैं कैसा बना। सुपर, बहुत टेस्टी। मैं जब छोटी थी ना तो मैं साबूदाने के लिए व्रत रखती थी कि बस नेक्स्ट डे मुझे एक्साइटमेंट रहती थी कब साबूदाना मिलेगा। आज भी वही एक्साइटमेंट है मेरी। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फिनिश करती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए हम दोनों जा रहे हैं,
हम अपना मास्क नहीं हटा सकते, कंपलसरी है मास्क। हमारा जो एरिया है ना, वो इतना खूबसूरत है, मेरे पीछे देखिए, और सामने का भी आपको दिखाती हूँ। धूप छाव हो रही है। मौसम कैसा लग रहा है? मस्त है, एकदम जबरदस्त मौसम है, बट गर्मी बहुत है। ह्यूमिडिटी बहुत है एक्चुअली, धूप नहीं है, धूप छाव होती ही रहती है। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगी फूलों को ढूँढने के लिए। हम थोड़ा पहाड़ के साइड में जाएंगे फूल तो ढूँढने के लिए। मैं आपको सामने का दिखाती हूँ। तो ये रास्ता सामने का कितना सुंदर है, बेस्ट जगह पे है भाई। ये देखिए एकदम शांत, आपको पूरे इंसेक्ट्स का आवाज़ आएगा यहाँ पर, आ रहा होगा। तो मैं ऊपर तक देखने गई थी, मुझे कुछ फूल वूल मिले नहीं। अब जो है वो घर के पास है। और ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा कैरफोर। यहाँ से मैं अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। नी हाँ, हेलो, नहीं वो बास्केट दे दो ना। ओके, हाय, कितने दिनों बाद आ रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है ना मुझे। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें वो मिल जाएगी। फूल फूल मिल गए, बाप रे कितनी खुशी, मेरे को आज फूलों की इतनी ज़रूरत थी। भगवान देखा जा जाए बाहर आए, गुरुदेव ने सुन लिया भाई। फूलों के बिना ना जन्माष्टमी अधूरी लगती है मुझे, तो मैं वो एक ले लेती हूँ। ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो मैं समझती हूँ मुझे ये ले लेना चाहिए। काफ़ी महंगे हैं बट ठीक है, त्यौहार में नई से कुछ तो अच्छा मिले। चाहिए, ये लेके जा रही हूँ थोड़ा कान्हा जी के बाजू में ऐसा डेकोरेट करने के लिए। जल्दी दो, बहुत तेज धूप है, मेरा हाथ नहीं पुरता। मैं अश्विन को बोल रही हूँ मुझे तोड़ दे। और प्यार से ऊपर से हाँ वहाँ से तोड़ दो बस। थैंक यू, कितने सुंदर लगते हैं ना ये। चलिए, हमारे सामने ना इतना सुंदर लग रहा है, मुझे लगता है वहाँ बारिश हो रही कि क्या, क्योंकि बहुत छाव छाव दिख रहा है। और वो पिंक कलर के फूल दिख रहा है, अब मैं वो तोड़ने वाली हूँ। ये मैं घर से लाई थी फूल तोड़ने के लिए। इसे तोड़ लेते हैं, अभी चढ़ा देंगे। और ये वाले जो बाकी है ना, वो शाम को चढ़ाएंगे फ्रेश। अगर आपको कोई फूल ना मिले ना, ये फूल तो आप भगवान को चढ़ा ही सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है दाल चावल चढ़ा दिया है। यहाँ पे एक साथ दाल और चावल पक रहे हैं। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी, जिसके लिए मैं सिर्फ अदरक का पेस्ट, टमाटर यूज़ करने वाली हूँ। दैट्स इट, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनने वाला है। आधा एक घंटे में खाना बन जाएगा मेरा, फिर उसके बाद हम तैयार होंगे। इस तरीके से बॉईल करके रख दिए थे। और आलू तो आपने सुबह देखा। और अभी मैं थोड़ी देर में गोपाल काला बनाऊंगी, जो दही डाल के, थोड़ा नींबू, नमक, दही, ये सब डाल के बनाते हैं ना। मुझे थोड़े पोमोग्रेनेट नहीं मिले, तो पोमोग्रेनेट की जगह क्या डाल सकते हैं वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। पोमोग्रेनेट मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। और मेरे पास ये कोरिएंडर पेस्ट है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। कोरिएंडर का ही टेस्ट आता है इसमें ऑलमोस्ट, ये क्रश्ड कोरिएंडर है। और इसे मैं थोड़ी सी अपनी ये वाली सब्ज़ी में भी डालूँगी।
तो ये मेरा अच्छा सा गोपाल काला जो है वो रेडी हो चुका है, और इसमें साइड में टेबल पे रख दूँगी। जो जो मेरा आइटम यहाँ बनते जा रहा है ना, वो मैं जाके सीधा डाइनिंग टेबल पे रख दे रही हूँ, सो दैट ज़्यादा यहाँ पसारा ना दिखे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्पेस कम है तो पसारा दिखता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ बन गई मेरी, है ना। तो ये हो चुका है मेरा मसाला रेडी, तेल छोड़ दिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे हमारा आलू और मटर। पूरी का आटा थोड़ा कड़क ही लगाते हैं, तो मैं इसे फटाफट लगा रही हूँ इसमें। तो मेरी सब्जी बन गई है, तो मैं इसमें खाली करके रख दे रही हूँ। वो सारी जो तैयारियाँ वो फिनिश हो चुकी है। अब मैं गरम गरम जो है यहाँ पे भजिए तलने वाली हूँ, जो कि होने वाले हैं आलू के। तो मैंने ये जो बैटर है वो पूरा रेडी करके रख दिया था, पतले पतले स्लाइस में काटे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने बेसन के भजिए बना रही हूँ मैं ये। तो एक एक करके हम डालेंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। ये आलू के भजिए मैं ऐसे बना रही हूँ, और कुछ भजिए मैं छोटे छोटे बनाऊंगी अगर बच गया बैटर तो, वो मैं कढ़ी में डाल दूंगी। कढ़ी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये गर्मा गर्म जो पूरियाँ हैं वो रेडी हो चुकी है। पूरी पूरी मैंने बना ली है। अब यहाँ पे मेरे भजिए जो है वो बन रहे हैं, मैंने लास्ट इसको रखा था, तो ये भी एक बार बन जाएंगे। तो इससे मैं पलटाती हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भजिए बन रहे हैं मेरे। अब उसके बाद ये जो बर्तन है, जब तक मेरे भजिए बन रहे हैं मैं ये बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो क्या है ना, मेरी पूरी जो किचन है वो पूरी क्लीन हो जाएगी, और फिर हमारा किचन का काम ख़त्म, फिर हम भोग की थाली जो है वो रेडी करेंगे। पूरा रेडी हो गया है, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। हम अच्छे से रेडी हो गए, खाना वाना पूरा बना लिया है। तो खाने में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने बढ़िया सी बटाने आलू की सब्ज़ी बनाई है। पूरा खाना आज हमारा बिना अदरक, नहीं सॉरी, गार्लिक और इसके है। यह है कढ़ी, और यह है चावल, यह है गोपाल काड़ा जो आज कृष्ण जी का फेवरेट होता है, और ये है खीर, और ये है दाल, ये है पूरी, और यहाँ पर है भजिए, और ये है प्रसाद जो कि है धनिया की पंजीरी। अब मैं फटाफट इन सब को छोटी सी प्लेट में भोग लगाती हूँ और कृष्ण जी के पास रखती हूँ, और कृष्ण जी के ऊपर कुछ कपड़ा भी ढक देती हूँ, सो दैट हम 12 बजे उनके जो कपड़ा है वो हटाए और उनका जन्म करे। तो फटाफट से खाना लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा चावल ले लेती हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा गोपाल काला भी ले लेती हूँ, उनका फेवरेट। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दाल, दो पूरी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी कढ़ी, और ये थोड़े से भजिए रख देते हैं। तो ये मेरी भगवान की प्लेट, सॉरी, इसमें खीर बची हुई है, और ये है, और ये है चावल की खीर, ये थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं, और ये चलिए भगवान के पास जाते हैं और उनके पास ये रखते हैं। तो मैं ये यहाँ पे रख देती हूँ अंजीरी उनका, और ये भोग यहाँ पे रख देती हूँ, और इनके ऊपर हम एक कपड़ा ढक देंगे अभी। तो मेरे पास एक ये चुनरी है, तो उससे मैं ढाक देती हूँ, और 12 बजे हम पूरी ये लाइट्स ये सब ऑन करेंगे और दिए वगैरह जलाएंगे, और उसके पहले हम भगवान को नहलाएंगे, जो कि होगा पंचामृत से। तो अभी हम
पंचामृत भी बना लेंगे। तो मैं ये इनको ढाक देती हूँ क्योंकि वो अभी पैदा नहीं हुए हैं। तो मैं पंचामृत बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं ले लूँगी शहद, थोड़ा सा शहद। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। आप चाहो तो एक एक करके सामान लेके आप कृष्ण जी को नहला सकते हो, बट मैं एक साथ बना ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी कटोरियाँ नहीं है। ये है दही, इसमें जाएगी थोड़ी सी शक्कर और इसमें जाएगा थोड़ा सा घी। थोड़ा सा एक अगर आपके पास हो तो तुलसी का पत्ता डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास तुलसी का पत्ता नहीं था तो हम इसी से स्नान कराएंगे। तो दोस्तों जन्माष्टमी आप सबकी आई होप अच्छी जा रही होगी। हमारी तो बहुत अच्छी जा रही है, हम दोनों व्रत किए हुए हैं लेकिन फील नहीं हो रहा है ना। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान के दिन ना कहते हैं भगवान खुद ही शक्ति दे देते हैं जब आप व्रत रखते हो, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हम दोनों ने व्रत रखा है, पूरे दिन अच्छे से किया है और अभी रात के 10:45 बज गए हैं। हम वेट कर रहे हैं 12 बजे का, कब 12 बजेंगे और कब हम जन्माष्टमी का जो पूरा जो कार्यक्रम है वो फिनिश करेंगे। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आज? मस्त लग रहा है। अब 12 बजे के बाद खाना खाएंगे और आप सभी को भी हैप्पी जन्माष्टमी। जी, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी परिवार की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बस मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। नए सब्सक्राइबर हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना और बस कमेंट भी कर देना और मेरा चैनल भी देख लेना। मैं लिंक इनके चैनल का ना डाल दूंगी, ज़्यादातर व्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवल वाले, तो वो देख लेना। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से कहना था कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो एक बार ना अपने जो YouTube का जो सेटिंग होता है ना उसमें चेक करना कि वो ऑफ है कि ऑन है। कई बार ऑफ हो जाता है तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो वो एक चीज़ चेक कर लेना। घंटा दबाना पड़ता है। जी, घंटी दबाना पड़ता है तो वो दबा दीजिए। और चलिए मैं आपको अब मिलूँगी सीधा, जब मैं कृष्ण जी को नहलाऊँगी, उनको पूरा तैयार करूँगी, तब मैं आपको मिलूँगी। हम स्नान करेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अब इनको वहाँ पे बैठाएंगे।